दोस्तों, आज हम आपको बाज के बारे में ऐसी रोचक तथ्य को बताने वाले हैं कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आसमां का राजा यानी बाज, जिससे अन्य सभी पशु पक्षी थर थर कांपते हैं, यह 400 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ सकता है, जिसकी अन्य पक्षी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कुदरत का बाज के लिए सबसे बड़ी देन है उसका चोंच, जिससे वह अपने शिकार को आसानी से चीर फाड़ सकता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं, बाज 70-80 साल तक जीते हैं। जब वे 30-35 साल के दौर से गुजरते हैं तो यही चोंच जो उनके लिए लाभकारी था, यही स्वयं खतरनाक हो जाते हैं, जिसके कारण वह खाना नहीं खा पाते हैं। तब उनके पास एक नहीं दो विकल्प होते हैं, या बिना खाए तड़प कर मर जाना, या अपने चोंच को जमीन या पत्थर पर तब तक ठोकर मारना जब तक कि वह टूट ना जाए। आखिर वे बहुत दर्द सहने के बाद इसमें सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं, और कुछ ही सप्ते बाद नए चोंच आने लगते हैं। दोस्तों, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, वीडियो पर बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी, जिस पंख के सहारे ये भारी भरकम शिकार को पकड़कर उड़ा ले जाते हैं, यही पंख उनके लिए 30-40 साल में वजन ज़्यादा होने पर उड़ने में बाधक सिद्ध होती है। तब वे इसे अपने चोंच से नोच नोच कर वजन कम कर लेते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं हमें अपने एक बाल उखाड़ने में कितना दर्द महसूस होता है, तो इनको कितना दर्द होता होगा। और दोस्तों, एक बाज 2-3 अंडों से बच्चे देते हैं, पर क्या आप जानते हैं इन तीनों बच्चों में से लड़ाई होती है, तीनों बच्चों में आपस में लड़ाई होती है, जब तक कि तीनों में से एक जीत ना जाए और बाकी दोनों को मार ना डाले। ये सब मादा बाज के निगरानी में होता है, उन्हीं के सामने यह घटना घटित होता है। अब विजेता बच्चे का चयन कर उसका ट्रेनिंग ऊंचे आसमानों में होती है, कई किलोमीटर ऊपर आसमां में बच्चे को ट्रेनिंग दिया जाता है। बच्चे को ले जाने के बाद उसे आसमां में छोड़ दिया जाता है। इस समय बच्चे बाज का पंख नाजुक ही होता है, पर केवल बच्चा बाज जीतने की ही सोचता है और पंखों का उपयोग कर उन्मुक्त आसमां में उड़ने लगता है। दोस्तों, मनुष्य की कृतियों से जंगल के पेड़ कट रहे हैं और यह अनोखा पक्षी लुप्त होने लगे हैं। आपका इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।